सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कॉइल्स चेंज की थी इसकी, और आज की वीडियो में हम इसकी कार्बोरेटर की स्लाइड चेंज करने वाले हैं। तो स्लाइड मैं आपको दिखा दूँ, यह है स्लाइड NS200 की, और इसके कार्बोरेटर की स्लाइड में प्रॉब्लम थी भी जब लास्ट टाइम इसका कार्बोरेटर खुलवाया था, तो इसकी स्लाइड चेंज होना मांग रही थी। तो भाई आज की वीडियो में हमें मौका मिला है इसकी स्लाइड चेंज करने का, एंड साथ ही साथ हो सका तो कार्बोरेटर की थोड़ी क्लीनिंग भी कर लेंगे, क्योंकि 2 साल से इसका कार्बोरेटर खुला भी नहीं है। तो भाई ये समझ लो कि अभी इसको निकालने में बहुत वक्त लगने वाला है, क्योंकि यार कार्बोरेटर कुछ ज़्यादा ही अंदर है NS का, हद से ज़्यादा अंदर है यार। सबसे पहले इस एयर फिल्टर बॉक्स को उतारना है, और एयर फिल्टर बॉक्स से ही अटैच होता है कार्बोरेटर होज के थ्रू। तो भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फिल्टर बॉक्स खोलने के लिए इधर 10 नंबर का बोल्ट होता है, और उस तरफ भी सेम 10 नंबर का बोल्ट होता है। हमने वो खोल लिया है, अब इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं सूरज भाई हमारे। तो देख सकते हो बॉक्स तो निकल गया है, और ये रहा भैया कार्बोरेटर। तो देख सकते हो कार्बोरेटर निकल गया, और भाई पेट्रोल निकले पड़ा है इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है, ये पेट्रोल काम आएगा क्लीनिंग में। बहुत सालों बाद क्लीन हो गया। हाँ बहुत सालों बाद, खोला ही नहीं है सालों बाद भाई। अब की NS तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, FI हो गई है, पहले की NS में एक कार्बोरेटर आया करते थे। तो देख सकते हो पुरानी स्लाइड निकाली जा रही है। तो यार एक बार हालत देखो इसकी, काफ़ी घिस गया है यार, काफ़ी ज़्यादा, और पुराना हो गया, 6 साल तो हो ही गए इसको भी, लेकिन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा घिस गया है यार। तो भाई ये देख सकते हो, ये है नई स्लाइड, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू, वर्सेस जो अभी निकली है। इसकी सब वॉल्स देख सकते हो घिस चुकी है, और ये बिल्कुल ही नहीं है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। नया वाला स्प्रिंग देखो लंबा है, और पुराना वाला स्प्रिंग जो है थोड़ा सा छोटा है भाई, वक्त के साथ से स्प्रिंग छोटा हो जाता है। प्रॉपरली क्लीन हो गया कार्बोरेटर, अभी थोड़ा सा और रह गया है साइड से। तो गाइस इसकी होज भी अच्छे से क्लीन कर लेनी है आपको, एंड प्रॉपरली अंदर से लेके पूरा बाहर तक होज जो है इसकी, क्योंकि ये इंजन में हेड में अटैच होती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये प्रॉपरली क्लीन हो। तो ये लास्ट प्रोसीजर बचा है गाइस, जिसमें अच्छे से क्लीनिंग हो रही है। पेट्रोल वॉश है जी, पेट्रोल वॉशिंग हो रही है इसकी। तो अब इसको असेंबल कर रहे हैं, सबसे पहले जेट्स लगाएंगे जो हमने निकाले थे। तो ये स्लाइड है, और स्लाइड को पहले ल्यूब करना है। तो ये लग गई है स्लाइड प्रॉपरली, तो कार्बोरेटर लग गया है, वर्किंग देखिए स्लाइड की, बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग आ रही है स्लाइड की। अगर स्लाइड खराब होती तो ये अटक जाती है। हाँ अगर स्लाइड खराब होती बीच में अटक जाती है, अपनी पुरानी वाली स्लाइड अटक अटक के आती थी नीचे, वो स्लाइड में ये होता है रेस अपनी हल्की हल्की नीचे होगी। हाँ रेस सही कह रहे हो, ओवर रेस होती है गाड़ी। हाँ। स्लाइड के चक्कर में होती है। अच्छा तो उसमें ओवर रेस की भी प्रॉब्लम थी जी, और जो कार्बोरेटर वाली होती है उसमें स्लाइड नहीं होती है, उसमें क्या होता है जेट होता है, जेट में दिक्कत होती है। अच्छा जेट में दिक्कत होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है, जितने भी NS राइडर्स हैं आप लोग को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर NS आपकी ओवर रेस कर रही है तो हो सकता है कार्बोरेटर स्लाइड से भी प्रॉब्लम हो।
तो भाई देखो, कार्बोरेटर हमने रिपेयर वगैरह सब कुछ कर दिया है, सबसे बड़ा लोचा अब लगाने का है भाई इसको। देखो कैसे लगता है ये, बहुत ही बुरी तरीके से भाई इसको फिटाना पड़ता है। तो भाई कार्बोरेटर हमने लगा दिया है, स्लाइड वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर ली है, तो भाई अब सिर्फ स्टार्ट करना रह गया इसको, और स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो आइडलिंग बिल्कुल सही आ रही है, तो गाइस आज की वीडियो में तो इसकी कार्बोरेटर की स्लाइड चेंज की है, अगली वीडियो में इसका एक प्रॉपर परफॉर्मेंस टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, सो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। बाकी गाइस आज की वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।